या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मतलबगार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुछ सच्चियां ते कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलामत करदा। सज्जणा तो भराओ गल अज वाकिया तो शुरू करते हैं जी। गल जरा सुनोगे तो तुहानू सारा नक्शा समझ आने की कोशिश कर हो जाएगी कि पाकिस्तान जिहड़ा वा ना जी, पाकिस्तान दे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है हर इंसान दे अंदर कि बैरूने मुल्क जावे, बैरूने मुल्क अपने जिहड़ा कारोबार करे। गरीब आदमी इस तो जाता कि तरक्की की जाए, इत्थे हालात नहीं है। जो मुल्क दे हालात है इस टाइम तुहाडे सामने आ, हर बंदा इस तगो दौ च लगा कि मैं अपनी जिंदगी बेहतर तरीके दे नाल जिहड़ा ना गुजारा कर सकाँ, अपने माँ बाप की खिदमत कर सकाँ, अपने बीवी बच्चों की खिदमत कर सकाँ। इस चीज़ को हर बंदा जिहड़ा कोशिश करता, कोई दुबई जा रहा, कोई शारजा जा रहा, कोई जनाब सऊदी अरब जा रहा, कोई आस्ट्रेलिया जा रहा, यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालक मोस्टली जेडे अमीर लोग आ, यानी जिन्हों अलीट कहते हैं, वो अपना कारोबार या अपनी जिंदगी जी उन्हों बेहतरीन लाइफ जी उसकी प्रोटेक्शन वो लवाजमात यानी जो वो जन्नत समझते वो जाते हैं जी यूरोपियन कंट्रीज जेडे उन्होंने लाइक कर। गल नूं जरा गौर ना सुनोगे तो तुहानूं गल समझ आएगी कि वैसे तो मैं किस्सा अगे एक अद्धी वीडियो बयान किया, लेकिन अज का मेरा ये स्पैशल किस्सा बयान करन दा कोई मकसद आ जी, जिहदी वजह नाल मैं बयान कर रहा मेरी पाकिस्तान की कौम जिहड़ी आ उहनूं समझाउण वास्ते कि वो लीडर जिन्हां दी जायदादां जिन्हां दे मुल्कां दे विच बिरूने मुल्कां च असासे मौजूद आ और पाकिस्तान च सिर्फ वो हुकूमत करन आंदे आ, वो लोग की हुंदे आ, उन्हां दी पाकिस्तान नाल मुहब्बत किन्नी क हुंदी आ, उन्हां दी चाहत किन्नी क हुंदी आ, ये मैं तुहानूं जदों किस्सा सुनावांगा तुसीं अंदाज़ा आप कर लो। पुराने वक्तां दी गल है जी कि एक बादशाह सी, वो बहुत ताकतवर बादशाह सी, मुल्क बड़ा खुशहाल सी उहदा, उन्हों शौक आ गया कि दरवेशी लाइन च चला जावा। उन्हें यह सोचा कि मैं दरवेशी लाइन च हूँ, मैं बथेरी बादशाहत कर ली आ, कुछ देर जरा मैं अल्लाह ताला को अपने जेडे को नेकियां वा वह कट्ठिया कर लवा, मैं अल्लाह को माफ़ी मांग ला ताकि मेरी आखरत जी वह संवर जाए। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम नहीं है, पाकिस्तान च यह सोचा जाता कि दौलत कट्ठी कर ली जाए, अल्लाह ने तो माफ़ कर ही देना। वो ये नहीं सोचते कि उत्थे हिसाब बड़ा सख्त होना वा, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि दौलत कट्ठी की जाए, किन्नी असी कट्ठी कर सकते, झाड़ू फेर लीए, दोवां हत्थां नाल लुट के बोरिया भर लीए, या कुछ भी किया जाए। अच्छा जे उन्होंने पूछो यार साढ़े को तो बस गुजारा मुजारा हो रहा वा, खर्चा ही बहुत आ, तो बच्चों वास्ते कर रहा है। गल सिर्फ ये है जी कि वह बादशाह ने जनाब अपनी कबीना नाल अजलास बुलाया, बुला के उन्हें फैसला एक कर दिता कि कोई दिन मुकर्र कर दिता कि बादशाह सलामत ने कहा कि उस दिन जिहड़ा आदमी जिहड़ा वा सब तो पहले शहर दे विच दाखल होएगा उन्हूं बादशाह बनाता जाएगा। शहर पुराने तुसी पुराने जमाने के किस्से सुनते हो कि उस जिहड़े शहर हुंदे सी उन्हां दे गेट हुंदे सी, अज भी तुसी लाहौर दे अंदर पार्टी गेट, लुआरी गेट, फलाना गेट, फलाना गेट, ये वो अंदरून हरम गेट, मुल्तान, फलाना गेट, फलाना गेट, ये सारे इस तरह ही निज़ाम सी जी पुराने शहर के, जेडे यानी बरे सगीर के दौर के जो पाकिस्तान हिंदुस्तान इकट्ठा होंदा सी, या गोरे का निज़ाम सी इत्थे राजे महाराजे सी उस वक्त वो जेडे आ गेट बनाए जाते सी ताकि वो रात को गेट बंद करते जान, आवाम पुरसकून जिंदगी गुजार सके। उस इतना असला इतनी जिहड़े आ सीसीटीवी कैमरे या कोई ऐसी लवाजमात नहीं हुंदे सी, एक इंसानी किस्म दे जिहड़ी पहरेदारी हुंदी सी। अज भी तुसी पिंडां ही देखदे हो कि उत्थे कड़ा सीसीटीवी कैमरे लगे आ, उत्थे जदों आ चोरियां चकारियां पिंडां च ज़्यादा हुंदियां ते लोग जिहड़े आ उह अपनी मदद आप दे तहत अपने हर घर दे विचों एक बंदा जिहड़ा वा वारी सिर उह वारी दिंदा। वह अज तो यानी बड़ी ईद आती है स्पैशली इन्हों दिनों खास तौर पर पिंडा दे विच पहरे लग जाते हैं ईद के दिनों दे विच ताकि कोई जानवर चोरी ना हो, कोई डकैती ना हो। निज़ाम तो हर पिंड का बंदा जिहड़ा वाकफ आ, शहरी लोग
इस गल तो नहीं वाकफ है। बहरहाल के जी वो ऐलान हो गया, दिन मुख्तस हो गया। वो वास्ते एक कोई फकीर सी किसी दूसरे शहर का या दूसरे किसी इलाके का फकीर सी, उन्हें कहा यार वो फलाना जरा हैगा ना जगह उत्थे चलते हैं, चार दिन उत्थे मंग मुंग के अपना जरा गुजारा करते हैं। उन्हें अपना सफ़र शुरू करता, पैदल ही सफ़र हुंदा सी। वो सफ़र करता करता जनाब पहुँचया तो रात पै गई, तो उन्हें देखा भी गेट तो बंद आ। उन्हें अपना जरा वो गोदड़ी सी ते डंडा सी या जो उदे कोल साज समान सी उन्हें उत्थे रखिया। गेट दे अगे ही लम्मा पै गया, गेट दे अगे लम्मा पै गया। सुबह नूं जिस वक्त तो गेट खुलिया उदी अख खुल गई। उन्हें जनाब वो अपना समान कंधे ते रखिया, रख के ते शहर दे विच दाखल हो गया। हुण वो दरबान जिन्हां ने दरवाज़ा खोलिया उन्होंने देख लिया कि आ बंदा जनाब ए गेट आ, इत्थों ये बंदा वड़िया। बादशाह सलामत का दरबार लग्या तो उन्हें अपने दर जे वजीर सी मशीर सी उन्होंने कहा भी अज कि बंदा जरा दाखिल होया वा। उन्होंने अपने जोड़े दरबान वगैरह से उन्होंने कहा, उन्होंने फौरी तौर पर आर्डर किए कि जोड़ा बंदा शहर से दाखिल होया उन्होंने लिया जाए। वो जनाब वो फकीर फड़िया, फड़ के लै आए बादशाह दे को। जिस वेले बादशाह दे कोल आ गया, बादशाह ने उन्हें कहा भी हाँ भी जवाना तू शहर च दाखिल होया। उन्हें कहा जी मैं इदा इदा दाखिल होया। उन्हें कहा चलो कोई गल नहीं, मैं अपना कॉल पूरा करना वा। उन्हें जनाब की किया, बादशाह ने उन्हें कहा भी इन्हू नवालो धोवालो, इहदी मैल मूल लाओ, कपड़े इन बादशाहां दा जिहड़े पोशाक हुंदे उह कीमती हुंदे आ उस तरह का पोशाक पवाया गया। बादशाह ताला जिहड़ा वह खिलवत उन्हें कहा जाता सी वह पहनाई गई। उस तो बाद लियाए गए दरबार के। बादशाह ने अपना जनाब तख्त खाली किया, उन्हें पेश करता कि लै भी इत्थे बह। फकीर कभी बादशाह के मूँह वाल देखे तो कभी जनाब उस कुर्सी वाल देखे तो कभी अल्लाह की शान वाल देखे कि कौम का मैं फकीर हाँ, मालिक तू देन लगा जो भी दिना तो छप्पड़ फाड़ के दिना वा। अज तो छप्पड़ ही फाड़ दिता। बहर हार के जी जिन्हों अल्लाह देवे वो तो शुक्र ही कर सकता। वह बह गया। बादशाह ने कहा लै भी अज तो बाद इस मुल्क का बादशाह सयाह सफेद का मालिक तू आ। उन्हें क्या जी ठीक आ। उन्हें अपना जो निज़ाम सी उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिता। करते करते जनाब हैगा तो फकीर सी, उन्हें अपने जनाब सारा निज़ाम चलाना शुरू करता। जिहड़ा नाल दा मुलक सी ना उन्हें जो उत्थे उहदी देखे हालात वाकयात मुल्क दे जायजा लैना शुरू किया। जदों उहदी इंटैलीजेंस ने रिपोर्ट दी उन्हें कहा कि आह तां जिहड़ा पहला बादशाह सी उहदा तां मुल्क ते बड़ा कंट्रोल सी, बड़ी आवाम दा इस तरह करदा सी, इह तां बादशाह जिहड़ा कोई बहुत ही कोई मतलब कि ना अहल किस्म का बादशाह वा। उन्हें कहा अच्छा। उन्हें अपनी सोच विचार शुरू करनी शुरू करती। उन्हें अपने वजीरा ना दूसरे मुल्क वाले बादशाह ने मशवरा किया। उन्हें कहा क्यों ना इतने कब्जा कर लिया जाए, यह सब तो अच्छा मौका वा। वो बादशाह जनाब उन्हें अपना तैयारी करनी शुरू कर दिती। हुण जिहड़ी इंटैलीजेंस सी उस मुल्क दूसरे मुल्क की जिथे फकीर बादशाह सी उन्हें अतलाह दिती अपने मुल्क च कि बादशाह जिहड़े उहदे अजायम को अच्छे नहीं लगते, तो इस वास्ते तुसी अपना एहतियात करो, ये किसी भी वक्त हमला कर सकता। वो दरबार लगा फकीर बादशाह दा, तो उन्हें जनाब दसिया वजीर दफा जिहड़ा वा उहदा होएगा। उन्हें कहा जी बादशाह सलामत जिहड़ा नाल दा मुल्क वाला बादशाह ना उन्हें तैयारी शुरू कर ली हमला करन दी। बादशाह ने कन्न च तेल पाया सी, एक पासे रूह तुन्नी सी। उन्हें कहा खैर आ कोई गल नहीं। पूरी कबीना उहदे जवाब सुन के हैरान हो गई। उस तो बाद उन्हें अपनी तैयारी मुकम्मल की। इस दौरान के अंदर फिर रिपोर्ट आती कि बादशाह सलामत नूं दस्या जाए कि फौजा जड़ियाँ उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली आ, वह हुण किसी भी वक्त जड़ी आ वह मूवमेंट कर सकदियां। उन्होंने फिर बादशाह नूं दस्या, बादशाह ने कहा कोई गल नहीं। इस दौरान के अंदर जनाब वो लश्कर दूसरे मुल्क का जड़ा वह तुर पिया। जदों तुर पिया बार्डर ते आ गया, फिर उन्होंने तलाह दी कि बादशाह सलामत फौजा बार्डर ते आ गई जी, इहदा कुछ कर लो। उन्हें कहा कोई गल नहीं। सारी कबीना हैरान, सारा मुल्क जिथे जिथे खबर पहुँची वह परेशान, ये बन की रहा। उस तो बाद जनाब उन्होंने
शहर च दाखिल हो मतलब कि उस मुल्क दे भी दाखिल हो गए। उन्होंने कहा बादशाह सलामत मुल्क दे अंदर दाखिल हो गए, हुण तां फौजां नूं इजाजत दे दे। उन्हें कहा नहीं नहीं लड़ाई नहीं करनी, आण दिओ उन्हां नूं, मैं संभाल लांगा। वो फिर हैरान पी ये बादशाह कि की शै है। करदे करदे जनाब वो बादशाह दे किले दे उत्ते आ गए जनाब। जिस वेले किले दे उत्ते आ गए, कब्जा कर लिया उन्होंने पूरे मुल्क दे उत्ते। उन्होंने कहा बादशाह सलामत फौजा तो बाहर किले च आ गई, शहर पर कब्जा हो गया। उन्हें कहा है अच्छा चलो ठीक है, तुसी इदा करो किले का गेट खोल दो। उन्हें जनाब हैरान परेशान भी बादशाह की करेगा, की उहदे कन्न च फूक मारेगा की नहीं करेगा, लेकिन मजबूर सी बादशाह सी उहदे हुक्म दा जी उन्होंने तामील की। गेट खोलता बादशाह जनाब अपना तख्त छड्या उत्थों कमरे च वड़िया, वड़ के जनाब उन्हें वो फकीर वाले कपड़े पाए। फकीर वाले कपड़े पाण तो बाद उन्हें डंडा रखिया मोढ़े दे उत्ते या हाथ च फड़िया, वो जिहड़ा उहदी पोटली सी वो रखी, तो वो जिहड़ी फौज सी जां गैर मुल्की फौज उहदे विचों दी होके अल्लाह तेरी यारी ते निकलदा गया। वो जिहड़ी फौज सी उहने समझिया कि फकीर आ बादशाह ते अंदर ही होना, उन्होंने उन्होंने ना फड़िया फड़न। वो जनाब उन्होंने कहा फकीर जाता इनू की कहना, वह लंघ गया जनाब। उन्हें कहा तुसी जानो मुल्क जाने, मैं जे अल्लाह ने मैनू चार दिन दिते सी मैं अयाशी कर ली, तो अल्लाह ताला तुहाडा महाफज, तो तुसी जानो तो तुहाडा मुल्क जाने आ जाते पे हाँ। वो जनाब उतों निकल गया। गल सिर्फ एक किस्सा सुना के हूँ गल जी समझाना कि आ जिहड़े बादशाह साढ़े मुल्क दे बादशाह ने जी, कोई दुबई दे विच महल बनाई बैठा, कोई लंदन च महल बनाई बैठा, कोई ब्यूरोक्रेट अमरीका च बनाई बैठा, कोई ब्यूरोक्रेट जनाब किसी होर आस्ट्रेलिया दे विच बैठा, इत्थों पैसा जनाब लुट लुट के जिहड़ा बैरूने मुल्कां चों कर्जा आंदा वा वह आया जी $1 अरब, उहदे चों 25 करोड़ जिहड़ा डालर जिहड़ा वह खर्च किया पाकिस्तान दे उत्ते, उहदे चों अद्धा कमीशन च चला गया, बकाया 75 करोड़ जिहड़ा डालर आ वह जनाब लांचा लूचा दे जरिए भेज दिता बाहर, अपनी जायदादां बनाते रहे। ये काम करके करते करते जनाब आ दिन आ गए आ। अज पाकिस्तान की पोजिशन ये आ कि अल्लाह ना करे कोई साढ़े ते खुदा नखास्ता को वादा घाटा हो जाता, तो जिहड़े बादशाह ने जी वह चले जाएंगे जी अपना जहाज चढ़ के, क्यों हुण वह तो गल्लां नहीं ना हैगियां कि पैदल सफ़र करना, हुण जहाज़ अपने अपने रखे जी बैठणगे। दूसरे मुल्कां नाल रवाबत इन्ने हैगे आ कि अगर किसी को नहीं हैगा जहाज़ वो फोन करेगा तो एयर एम्बूलेंस आ जाएगी या होर कोई आ जाएगी, उत्थे वो बैठणगे, बह के तो जनाब अल्लाह पाक दे जिक्र करते हुए वो इस मुल्क चो चले जाएंगे। पिछे जिहड़ी आवाम उहदे ते ड्रोन हमले होण, उहदे ते जो मर्जी होवे वो आवाम जाने, तो आवाम दे नाल दूसरे जिहड़े मुल्क जो हशर करदे आ वो जानन। ये गैर मुल्की जड़े सरमायाकार बादशाह ने जी मुल्कां दे उत्ते, ये उन्हां दे नतायज इदां दे हुंदे आ। किन्नी दौलत आ अरब ममालक दे बादशाहां ने लुटी, यानी मिस्र, सुडान, सद्दाम हुसैन, फलाना फलाना, तो ये सारा कुछ जड़ा वा वो उन्हां बैंकां दे विच रह गया जी, उन्हां मुल्कां दे विच रह गया। आप जलीलो खुआर हो गए। अखीर उन्हां दा अंजाम ये होया भी उन्हां नूं जगह ही कोई नहीं दुनिया दे उत्ते लभी। मकसद गल करन दा है जी कि जो इस वक्त पाकिस्तान दे अंदर हो रहा मैनू उही कुछ नज़र आ रहा कि बादशाह जिहड़े आ उह चले जाणगे, मरनगे मेरे तुहाडे वर्गी आवाम मरेगी, इस तों ज़्यादा मैनू कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। जिस तरफ नूं हालात मुल्क दे जा रहे आ, जिस तरफ नूं मुल्क नूं लिजाया जा रहा, जिस तरफ नूं मुल्क दी इकोनॉमी जा रही आ, जिस तरफ नूं पाकिस्तान की 70% आबादी डुब गई उन्हूं लिजाया जा रहा, ये सोचण दा एक मकाम आ जी। एक वजीर आजम साबका वजीर आजम पिटदा फिरदा, उहदी FIR जी 52-55 घंटे हो गए आ जी, हजे तक वो फैसला नहीं हो सकिया जी, असी दर्जी नहीं करनी, जाओ जो करना कर लो। जिस मुल्क दे अंदर इतने बड़े उहदे ते रहण वाले बंदे नूं इंसाफ नहीं मिल सकदा, जिस मुल्क दे विच वीडियो लीक करतियां जांदियां और उहदे ते जिहड़ी माजरात जिहड़ी तां दूर दी गल आ, उहदे ते नोटिफिकेशन जारी करते जांदे आ कि ये सारा जनाब उहते कमेटियां बनातियां जांदियां कि लियाओ जनाब वो असल वीडियो लियाओ,
अपनी हुण धी भैण नूं जिहड़ा वा जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की क्या वो अपना जिहड़ा अपना नंग जिहड़ा वो जिहड़े गैर मर्द आ उन्हां नूं दिखाणगे। फिर उस तो बाद एक बयानिया शुरू किया जाएगा कि झूठ का पलंदा घड़िया गया जी, मकसद गल करन दा जी, पाकिस्तान तबाही वल जा रहा जी, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए अहले पाकिस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में।